साउथ ईस्ट जिले के जाविया नगर थाना पुलिस ने उन बुलेट मोटरसाइकिल के खिलाफ अभियान चलाया है जो चलाते समय उनके साइलेंसरों से पटाखे जैसी आवाज निकालते थे। इस मामले में पुलिस ने 60 से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की है। साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी राजेश देव ने बताया है कि जाविया नगर के लोग बार बार शिकायत कर रहे थे कि कुछ बुलेट मोटरसाइकिल जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के साइलेंसर मॉडिफाई करवा कर उनमें से तेज आवाज निकाल रही है, उससे परेशानी पैदा हो रही है। इन शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने इन बुलेट मोटरसाइकिल के खिलाफ अभियान चलाया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने देखा कि बड़ी संख्या में इन बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर्स को संशोधित किया गया है जिनमें से पटाखे की आवाज आती है। पुलिस ने पाया है कि इन बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर को बदलकर दूसरे साइलेंसर लगाए गए हैं जिनमें तेज आवाज में पटाखे जैसी आवाज निकलती है। पुलिस ने अब तक 60 से ज्यादा मोटरसाइकिल जब्त कर ली है और इनके मालिकों के खिलाफ चालान किए गए हैं। उन चारों बदमाशों ने नजफगढ़ इलाके में एक युवक से मोबाइल फोन और नकदी लूटी और फरार हो गए। पुलिस ने गहनता से जांच की और एक गुप्त सूचना पर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अब तीनों बदमाश चढ़ चुके हैं पुलिस के हत्थे और पहुंच गए हैं अपने असली ठिकाने यानी कि जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।